दोस्तों, आज के टाइम में BTS के मेंबर किम तेयोंग का फैन कौन नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली इंडियन आर्मीज को पता चला है कि हमारी इंडिया की एक्ट्रेस जो कि रिसेंटली कोरिया जाकर अपना डेब्यू करने वाली हैं, जिनका नाम अनुष्का सेन है, वो भी BTS वी की एक बहुत ही बड़ी फैन है। और दोस्तों, काफी सारे फैंस ने नोटिस करा कि वी ने रिसेंटली अपने शूट्स के जो कुछ क्लिप्स डाले थे उनको सबसे पहले लाइक करने वालों में से एक अनुष्का सेन भी थी, जिसे देखकर काफी सारे फैंस ने अंदाजा लगाया कि अनुष्का सेन BTS के मेंबर वी की कितनी बड़ी फैन है और शायद वी उनके बायस होंगे। दोस्तों, इससे पहले भी अनुष्का से जब पूछा गया था कि BTS में उनका फेवरेट मेंबर कौन है, तो उन्होंने वी की फोटो ही शेयर करी थी। और तब से लेकर आज तक काफी सारी इंडियन आर्मीज का ये मानना है कि अनुष्का BTS की काफी बड़ी फैन है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो कोरिया जाकर इंडिया और कोरिया रिलेशनशिप्स को और अच्छा करने वाली है और शायद वो एक कोरियन ड्रामा में सेकेंड लीड एक्ट्रेस की तरह जल्दी ही अपना डेब्यू करने ही वाली है। लेकिन दोस्तों, काफी सारी आर्मीज का ये भी मानना है कि BTS के साथ साथ सबसे ज्यादा इम्प्रेस अनुष्का सेन BTS वी से ही है, क्योंकि दोस्तों अनुष्का ने काफी बार पहले भी BTS वी की पर्सनैलिटी को लेकर काफी सारी बातें करी है। साथ ही साथ जब आर्मीज ने नोटिस करा कि जैसे ही BTS वी ने अपनी पोस्ट को पोस्ट करा था, उसके बहुत ही जल्दी से टाइम में अनुष्का सेन ने सबसे पहले उसको लाइक करा, जो कि काफी बड़ी बात है। दोस्तों, ये देखने के बाद काफी सारे लोग सोच रहे थे कि शायद अनुष्का अगर इसी तरह कोरिया जाती रही तो शायद वो जल्दी ही BTS के मेंबर वी से मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों के ड्रामा की इंडस्ट्री में वी के काफी सारे फ्रेंड्स हैं और वो अपनी फ्रेंड्स की मूवी प्रीमियर्स में जाते रहते हैं। साथ ही साथ वो बहुत ही सारे गैदरिंग्स में भी इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उनकी सोशल लाइफ काफी अच्छी है। और दोस्तों, ऐसे में अगर साउथ कोरिया में ही अनुष्का सेन ने जल्दी ही अपना डेब्यू किया, तो बहुत ही सारी उम्मीद है कि वो किसी ना किसी शो में वो बाकी कोरियन एक्ट्रेस के साथ साथ वी से जरूर मिल पाएंगी। और दोस्तों, काफी सारी आर्मीज का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो ये चीज अनुष्का के लिए काफी ज्यादा लकी मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह वो वी से इतनी ज्यादा इम्प्रेस है, ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत ही लकी अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है और शायद इससे वी को भी इंडिया के लोगों के बारे में ज्यादा चीजें पता चल सकती हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि अनुष्का कभी BTS वी से मिल पाएंगी या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।